योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद कालरा पर श्रीमती कविता महात्रे ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति मिस्टर आनंद महात्रे को घर से अगवा करके उनका कत्ल कर दिया है। पर यह हकीकत नहीं है ऑनर। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनंद महात्रे की लाश के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। यस योर ऑनर, मिसेज महात्रे की कंप्लेंट है कि 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उनके पति को अगवा कर लिया गया, बट 13 अक्टूबर को ही 11:05 पर मिस्टर विनोद कालरा मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे। मैंने FIR लॉन्च करके इन्हें भाटिया हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मलम पट्टी करवा दी। बस शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था? तुझ पर खुद रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या सच है? योर ऑनर जी, लेकिन मैं क्या 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 चुप रहो। इंस्पेक्टर शिरोडकर को हिरासत में लिया जाए, अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में इन पर मुकदमा चलाया जाए। सर, ये किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टिचेस लगाकर उन्हें भेज दिया था। मिस्टर सरदेसाई, अगर 13 तारीख को आपने विनोद जी की पट्टिया की थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मिसेस सरदेसाई गोवा के मेरिट होटल में सरदेसाई जी के साथ छुट्टियां मना रही थी, और अगर वो सरदेसाई आप नहीं है तो फिर वो सरदेसाई कौन थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप, जस्ट शट अप। अरे वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही थी। हम हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने गए थे। तो अगर आप 12 अक्टूबर से छुट्टियां मना रहे हैं गोवा के अंदर, तो 13 अक्टूबर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए, इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे, ये मैं क्या? वकील, क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर, आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज। शैतान की खाला लग रही हो, ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम गुरखा पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो, आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। आई रिजाइन। सर, सर मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा? धर्म जी की इतनी बेइज्जती। अबे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे, और कभी कभी नहा भी लिया कर भैंसते, तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट भार रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। अबे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा। अबे डार्लिंग, सोना, लव माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ इससे, आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ इससे। मैं तुमसे बात बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा? ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था, तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं भी झूठ मूठ कूदा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, यह सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे, मगर तुमने मेरे सर से छपराई कूद कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे वदारी बनाकर छोड़ दिया। सोना मुझे माफ कर दो। सोना मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे, मैं आ रहा हूं। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रयू स्कूल चलो। ओ पाजी, वो तुझे मैंने पहचाना, लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह। अरे यार जो भी, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, बैठो। लड्डू सिंह आ गया, बड़ा पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। वो पाजी वो गड्डी नहीं है। ए अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी तुझे मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुझे पहली बार बंबई चाय से ना,
तो मैंने तुहानू आनंद महल छड्डिया सी और तुसी मैनू सलाह दित्ती सी कि पाजी किराए दी टैक्सी चलाने ची फायदा है, अपनी गड्डी कदी ना खरीदना। यार पहली बात तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात यह कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया हूँ कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है। टैक्सी क्या तू घास खरीदेगा? और तुमके खाते क्या अनाज खाते हो कि घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है उसकी कोई होश नहीं है, उसको सलाना शुरू कर दिया और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसमाड़ उखाने सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए ओए खोते दे पुत्र रे, ओ लड्डू भाजी, ओ नीचे उतर। ओ नहीं, ओ नीचे उतर। ओ यार गलती हो गई, ताली दे बैगन, नीचे उतर। ओ एक मिनट, ओ यार क्या, मैं क्या नीचे उतर रहा हूं? ओ लड्डू भाजी, ओ चल, ओ जल्दी, सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जुलाब लग गए। ओ चिंटू, ओ चिंटू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ओए ओए यहां सब पीले में। ओ चिंटू, ओ चिंटू, मैं चिंटू नहीं हूं। चिंटू, चिंटू डैडी, ओ चिंटू, ओ चिंटू, ओ इधर आ यार। ओ चिंटू, ओ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरे मुंह से सच के सिवाय कुछ नहीं निकल रहा, अपनी मम्मी को बोल मुझे छोड़कर नहीं जाए। याहू, ऊपर वाले ने मेरी विश कबूल कर दी। तेरी कौन सी विश? अरे डैडी, कल आपको मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया कि आप कभी भी झूठ नहीं बोले। लो, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से विश कर देता कि तेरे डैडी मर जाए। सुबह से लेकर अभी तक आधी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे, ऊपर वाले से बोल के तेरी विश कैंसिल कर दे, वरना तेरे डैडी जो है ना, हाँ, वो चल पड़ेंगे। अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया, अब दिन में तारे कहाँ से लाऊं? अच्छा बंदोबस्त किया है तूने मेरे बेटा, चल जा खेल। बाय डैड। खेल। विश? ऐसा हो सकता है? ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैंतरे थे, बहुत चौड़ा और लाता, अभी पतली गली। चल भाई बुला, चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पल। ये देख, ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस सुना दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काला भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ करवाया होगा। ए वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर में की तरह पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्या सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़, तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता है? हाँ, भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के? दिन में तारे दिखा देते फिर भी सुधर नहीं, और क्या गन दिखाता रहता है? कभी चलाते भी है क्या? चला, पहुंचो। राज, 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 ये क्या करा? हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे काय का वेलविशर भाई? जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते, बोलते वेलविशर हो, मैं बनू क्या वेलविशर? चिल्ला मत भाई, जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को, हाँ, कि दो गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई? इतना मेरी पता कि बात कैसे करते फोन के ऊपर? साला, ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते, उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल, 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आपको शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को, भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू, पकड़। इस बेचारे का घर टूट गया हमारी वजह से, इसकी बीवी से छोड़कर चली गई, ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया हमारे लिए, अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए, ऐसे अपने तरीके से काम करने दे यार। जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट इट गो, लेट इट गो, कम ऑन, कम ऑन, लेट इट गो, रिलैक्स। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है, और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है। तू बैठ, तू इधर बैठ, चल। तुझे लगता ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ, चल। तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठी दूंगा? चल पूछ मुझसे। ठीक है तो फिर बता मेरे बारे में, तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं नहीं, टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या है तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं, दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या है। कुछ और, कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारू तो अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंभे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंभा है साले, खंभा। हेलो, आप बाद में फोन करेंगे प्लीज? सॉरी यार, ये सच ही क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं नहीं, मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फोन दे दे मेरा, बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले अपने टूटते हुए घर को, बचा ले। एक और सच बोलू मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारू खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है एक तो मास्टर। हेलो। हाय डैड, मैंने आज रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी विश वापस ले ली है, अभी आप फिर से दिल खोल के झूठ बोल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद महात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इसे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद मात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी यह साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद मात्रे एक लड़ने वाला इंसान था, हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से उठा ही नहीं, और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद मात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, वो एक नहायत ही शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। One minute, my friend. Your Honor, I can prove it. मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद महात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी, आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे हैं ना, वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब, आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी दिन में भी आता था, रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं, सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था क्या करता था मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि कल रात बिरात आनंद मात्र के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद महात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। आ जाता था, प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेज महात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब, प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब, क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो, एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो ये औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे, उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूँ सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इसमें नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं कितना तनहा और अकेला हो गया हूं।
ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई। जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बच्चलन साबित कर दिया। अरे भैया, आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है आपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बात बाद में, बाद में, कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? मौन तुरुक में आया। तारा, तारा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया। कैसेट? कौन सा कैसेट? अरे वही कैसेट जो दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था, उसके अंदर आई थी। यही तो रहती थी उस मैंने। चश्मी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे कब आओगे, अब घर में आता तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो ये पूरा का पूरा कबाड़ मेरी ही गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना, तो जिंदगी भर मेरे गाल चुमती रहती। लेकिन नहीं, अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल कर रखे हुए, पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल का लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे, शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था, फिर बाद में मुझे हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा क्या? मैं तो साला बेशरम आदमी। सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे वकील, लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा। ए स्टार्ट कर गाड़ी। ए वकील की तुम में धागा, वो तुम दबा के भागा। वकील की तुम में धागा, वो तुम दबा के। अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं यार। ये क्या लगा ला, खड़े रहना, बात सुनना यार। एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना, तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है, वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है क्या? अकेले को बहुत मारा रे। ये मैं दिमाग की जगह हाथों की लड़ा रहा हूँ। निकाल मेरी साइकिल। ए साइकिल पे आ गया। निकल दे जाए पहले। बेशरम। अरे थैंक यू। उफ, तुम लड़कियों की अदाएं, आखिर हम क्यों ना फंस जाएं? जल्दी चलो। योर ऑनर, ये अदालत है, कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए। और कब तक आप राज मल्होत्रा को ब्रेक देते रहेंगे? मेरी अदालत से गुजारिश है, अब बिना इंतजार किए इस केस का फैसला सुनाया जाए। योर ऑनर,
एडवोकेट राज मल्होत्रा का एक घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे, लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। ये क्या है भाई? क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला? मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जान से मार दूंगा, इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग? रोक! Well done. Thank you. Well done, Raj. पल तो पल का उजाला है झूठ का, पल तो पल का उजाला है झूठ का, अरे काला है जी काला मुंह काला है झूठ का, काला है जी काला मुंह काला है झूठ का। हाय मेरा बेटा, पापा कहाँ है? राज वाकई में क्या कर रहा है यार? यार पसीना पोंछ रहा है मैं। डिग्निटी नहीं है? डिग्निटी कैसे नहीं है, कमाल आदमी है यार। अरे भाभी भाभी देख रहा हूँ आपकी भाभी आई हुई है, तो क्या नाचू? नाचना आता है? तुम अपनी लाइफ सुधारो पहले। अब इस तरह से मुस्कुरा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे। ऐसे गले लग रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पर। अच्छा अच्छा, होश में रहो, कोट कोट। और सुनो, खबरदार जो दोबारा घर छोड़ के जाने की कोशिश की, समझी तुम? अब एक बार शराफत हो गई होगी। होश करो, कोट कोट।